जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी द्वारा जिला अध्यक्ष अरुण शर्मा के नेतृत्व में लोकसभा प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल का चुनावी प्रचार किया गया। शिमला के विभिन्न कार्यालयों व बाजारों में जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं से अपील की गई कि वो केंद्र सरकार की दमनकारी व जनता विरोधी नीतियों का खुलकर जवाब दें और अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। लोकसभा चुनाव में अब कुछ दिन ही शेष बचे हैं, ऐसे में राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस ने जिला कांग्रेस शहरी कमेटी के अध्यक्ष अरुण शर्मा की अगुवाई में शिमला के पुराने बस अड्डे और आसपास चुनाव प्रचार किया और शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल के पक्ष में वोट मांगे। इस मौके पर अरुण शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देश की जनता पिछले 5 वर्षों में हताश निराश हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा ने जनता को ठगा है। केंद्र में मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व जो वादे किए थे वो सिर्फ जुमले साबित हुए हैं। अरुण शर्मा ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में अभी तक सिर्फ उन्हीं योजनाओं के उद्घाटन किए हैं जो योजनाएं कांग्रेस के समय में शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। हम जो प्रचार है ये बस स्टैंड एरिया गुरुद्वारे से लेकर बस स्टैंड HRTC और नीचे हम डायरेक्टोरेट में करेंगे। आज का ये हमारा कार्यक्रम रह रहा है और जो आप रुझान की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में लोगों का रुझान है क्योंकि लोग परेशान हैं। लोग 5 साल में बहुत ही प्रताड़ित अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और लोगों का बहुत रुझान खास करके गृहणियों का कांग्रेस के प्रति है और हमको विश्वास है कि हम आने वाले दिनों में और मोमेंटम बढ़ेगा और लोगों का और हमको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिलेगा। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? हम लोग जो मेनली जो मुद्दे हैं जैसे देश के मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों को आश्वासन दिए थे उनको जला बल्कि ठगा था 5 साल पहले झूठे वादे करके। उन्होंने जो वादे किए थे जैसे 15 लाख रुपये रोज़गार और काला धन इस तरह की बातें उन्होंने कही थी तो वो कुछ भी नहीं हुआ है, धरातल पे सब जीरो है। ठीक है, उसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी ने दूसरी तरफ वादे देश की जनता से भी अपने मैनिफेस्टो में किए जैसे एक न्याय योजना हम लेकर आए, राहुल जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा एक संकल्प के तौर पे कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो वो देश की गरीब जनता को महीने का 6,000 रुपये सुनिश्चित करेगी और जो मनरेगा कांग्रेस पार्टी UPA की देन इस देश को है उसमें अभी 100 दिन का प्रावधान है तो हम उसको 150 दिन करने वाले हैं। तो उन्होंने बेरोजगारी पे भी बात कही है तो कांग्रेस पार्टी जो है आम जनता की जो भावनाएं है उसके प्रति संवेदनशील है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।